अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया। नर्सिंग घोटाले पर विपक्ष की चर्चा की मांग पर बोले हैं वो, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, छोटे बड़े सभी दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, सदन में चर्चा के लिए भी तैयार है। तो बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया, विपक्ष इस तरीके से हंगामे कर रहा है, उसको लेकर कहा कि छोटे बड़े सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, सदन में चर्चा के लिए भी हम तैयार हैं। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। को लेकर विपक्ष ने जो है आज हंगामे की तैयारी की, बोल रहे हैं स्थगन लाएंगे और जिस तरह से पूरा मामला हुआ है उसको लेके सदन से लेके सड़क तक घेरेंगे ना। बट देखिए, मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस केवल हंगामा खड़ा करना चाहती है और केवल हंगामा खड़ा करने से विपक्ष की भूमिका पूरी नहीं होती है। कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सत्ता पक्ष में रही है, इसलिए उनको आदत पड़ गई है सत्ता पक्ष रहने की। उनको अभी विपक्ष में काम करने के लिए सीखने की जरूरत है कि कैसे सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाए। नरसिंह घोटाले में मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जिस तरह से बोल रहे हैं कि बड़ी जो मछलियां हैं उनपे कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा ना, अभी तक जो जांच हो रही है उसमें आपके मीडिया के मित्रों से ज्ञात हुआ कि कांग्रेस की तत्कालीन शिक्षा मंत्री की उसमें संलिप्तता है। अब जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी। चर्चा के लिए तैयार है, बिल्कुल हर विषय पर सरकार सदैव तैयार है चर्चा के लिए। तो नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे साथ में थे, मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री, और उनका कहना यह है कि वो चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष सिर्फ हंगामा मचाना चाहता है। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, 24/7 भोपाल।